स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे पिछली वीडियोस में, और जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर, उसमें बहुत सारे सवाल आए हैं आप सभी के। किसी के मानदेय को लेकर के सवाल हैं, तो किसी के किसी चीज़ को लेकर के सवाल हैं, तो उन्हीं सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है, उन्होंने बोला है कि आप सभी लोगों को नमस्ते जी। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम सरिता है, मैं लखनऊ सरोजनी नगर क्लस्टर बेंती ग्राम पंचायत बेंती की रहने वाली हूँ। समूह का नाम श्री राम स्वयं सहायता समूह है। मैं राशन वितरण का काम करती थी, जो कि अकेले काम करती थी। पैसा आने के बाद वह राशन समूह के अध्यक्ष को दे दिया गया, यह नियम में है। तो देखिए, आप अकेले काम करती थी राशन वितरण में, और एक बात यहाँ पर यह भी है, अगर पैसा आपने अपना पर्सनल लगाया था, समूह का पैसा नहीं लगाया था, तब तो वो पैसा आप ले सकती हैं। लेकिन अगर समूह का ही पैसा था, आप भले ही अकेले वितरण करती थी, तो कुछ समूह में बांटना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई ये नियम नहीं है कि अध्यक्ष को केवल पैसा मिले, ठीक है, समूह में। इन्होंने बोला हुआ है कि मिलना चाहिए मानदेय। मेरा नाम नजनी खातून है, और चूँकि हसन मेंबर हूँ, मुझे वीडियो बनाकर बताइए कल। अच्छा, CCL का पैसा कब और कैसे आता है, ये वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कमेंट है इनका। दीदी, मुझे CCL खाता बंद करना है, CCL एप्लीकेशन कैसे लिखें, ठीक है, इसके बारे में हम वीडियो ज़रूर देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा लेट से कमेंट का वीडियो बना रहे हैं। आजीविका सखी को वेतन भी मिलेगा क्या जी? आजीविका ठीक है, उसमें वेतन भी मिलेगा। तो देखिए, आजीविका सखी में जो है मानदेय मिलता है, ठीक है, मिलेगा। समूह की महिलाओं को कोई मजबूत सुविधा या वेतन नहीं दिया जाता, इसके लिए समूह की महिलाओं को काम करने में दिलचस्पी कम रहती है। अगर सही वेतन मिले तो काम अच्छा करेंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीज़ें जो आपने कही हैं बिल्कुल ठीक कही हैं। वीडियो के माध्यम से हम भी अक्सर कहते रहते हैं, सरकार अगर कोई अन्य सुविधा दे, कुछ समूह की प्रत्येक महिलाओं को कुछ रुपए दे, 200-300 रुपए खाते में प्रतिमा भेजे, तब भी महिलाएं और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी, समूह में मीटिंग भी बराबर करेंगी, काम भी अच्छे से करेंगी। क्या हर ब्लॉक में पैसा मिलेगा 6000 रुपए का, इन्होंने बोला हुआ है। तो देखिए, मैंने वीडियो में आपको किसी एक ज़िले के बारे में बताया था, वहीं पर केवल मिलेगा, राज्य में बाकी सभी जगह नहीं है नियम। मैम, अब कब निकलेगी वैकेंसी ICRP की? तो देखिए, जब निकलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दी जाएगी, फिलहाल अभी कोई सूचना नहीं आई है। आजमगढ़ समूह आंगनबाड़ी मिलकर खाती हैं। अच्छा, आजमगढ़ से इन्होंने बोला हुआ कि आंगनबाड़ी मिलकर खाती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, क्या शादी हो जाने के बाद यह काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी और गांव में चले जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल काम आपको छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पर वहाँ की आप बिजली सखी के बारे में उन्होंने बोला है, वहाँ की बिजली सखी बन सकती हैं। केवल आंगनबाड़ी बेच रही होंगी, जब समूह वितरण नहीं करती तो बेच कैसे सकती हैं? जी हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा है, आंगनबाड़ी नहीं करती हैं, समूह की महिलाएं करती हैं, समूह की महिलाएं भी बेचती हैं और आंगनबाड़ी भी, तो दो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि सच्चाई सभी जानती हैं महिलाएं। मुझे भी जॉब देना, समूह के बारे में उन्होंने बोला, तो आपको अपने ब्लॉक में इसके लिए संपर्क करना पड़ेगा, जिस भी नौकरी में आप आवेदन करना चाहते हैं समूह में। हर हर मोदी जी, इन्होंने बोला है, बहुत सुंदर है, थैंक यू। पर्सनल खाते पे पैसा मिलना चाहिए, 6000 ही मिलता है प्रधान, और प्रतिनिधि 3000 साफ सफाई के नहीं देते हैं, हमें क्या करना चाहिए दीदी बताएं? तो देखिए, हम आपको बता दें कि 6000 आपको आपका मानदेय है, ठीक है, 3000 साफ सफाई के सामग्री के लिए दिया जाता है। अगर सामान आपको दिया जा रहा है तब ठीक है, वो मतलब प्रधान हैं या फिर आपके समूह की महिलाएं हैं, मतलब पदाधिकारियां हैं, वो आपको सामान खरीद के ला के दे रही हैं, तब तो ठीक है। अगर सामान भी नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकती हैं, ठीक है, ब्लॉक में, लेकिन एप्लीकेशन लिख करके दे सकती हैं। SHG की महिलाओं को ना तो सैलरी का ना कुछ फुल ब्याज ले रहे हैं बैंक, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अजीब और गरीब कमेंट भी था।
स्पेलिंग आप लोग मिस्टेक लिखते हैं इसलिए समझ में नहीं आता है। दीदी मुझे भी लेना है मशीन, मेरे हस्बैंड पैसा देने तो मुझे। तो देखिए सिलाई, फ्री सिलाई मशीन के लिए आवेदन होता है ऑनलाइन, आप कर सकते हैं आवेदन। फ्री सिलाई मशीन प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के भी तहत आवेदन कर सकती हैं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि इन सभी में आवेदन अक्सर होते रहते हैं। तो विश्वकर्मा वाले में करेंगे तो आप ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, शायद एक हफ्ते की होती है ऐसे कुछ, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि हम बनना चाहती हैं, अभी तक एक रुपया नहीं मिला है मेटको, कृपया बताएं कब मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने मानदेय मिला तो नहीं है, अब कब मिलेगा अब ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपडेट आती है मेटको लेकर के तो वीडियो ज़रूर आएगी चैनल पर, ठीक है। फिलहाल मनरेगा में मेटको लेकर के तो नहीं, लेकिन जो मजदूर हैं मनरेगा के उसके लिए हमारी वीडियो बनाई हुई थी कि 7 रुपये से 26 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है उनके मजदूरी में, ठीक है। जो मजदूर हैं मनरेगा में काम करते हैं उनके मजदूरी में 7 से 26 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। मतलब हर राज्य में अलग अलग नियम हैं, जिसके वीडियो मैंने बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ जा कर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेट के बारे में सूचना आएगी तो हम ज़रूर बताएंगे आप सभी को। उन्होंने बोला है वेरी वेरी नाइस सिस्टर, थैंक यू सो मच। और दीदी मैं कैसे फॉर्म भरें, कुछ जानकारी लेनी है। तो आपको किस में आवेदन करना है इसके लिए कमेंट में बताइए आवेदन किस में करना है। वैसे वीडियो तो चैनल पर ऑलरेडी हर एक टॉपिक पर है चैनल पर। मैम कब आएगा फॉर्म प्लीज़ बता देना, थैंक यू मैम जी, थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू। अगर कोई सूचना आती है तो वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। हाँ सच है, 3 दीदी को मानदेय मिलना चाहिए, इन्होंने कमेंट में बोला हुआ है। SHG की जॉब बेकार है, सैलरी नहीं मिल रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। समूह की नौकरी बस नाम की है, काम की कुछ नहीं है, ये तो हम अक्सर आपसे बताते हैं, इसलिए समूह में नौकरी के चक्कर में ना रहें। समूह में अगर काम करना ही है, समूह में जुड़ी ही हुई हैं, तो आप समूह में रोज़गार अपना करें, क्योंकि सरकार आपको पैसा दे ही रही है तो रोज़गार करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और समूह में नौकरी से ज़्यादा पैसा आप उसमें कमा लेंगी। बाकी यही सब थे कुछ कमेंट, एक कमेंट और हम देख लेते हैं। हमको 2 ईयर हो गए राजस्थान में, अब आगे क्या लाभ मिलेगा बताओ दीदी। अच्छा 2 साल हो गए हैं राजस्थान में, मतलब कि लाभ क्या मिलेगा, आप इसमें अपना बचत जमा करते रहिए, रोज़गार कोई शुरू कर लीजिए और क्या, बस यही सब लाभ मिलना है समूह में, और कोई बहुत ज़्यादा लाभ मिलता नहीं है। रोज़गार कर लीजिए, उससे अच्छा और कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों के जवाब तो हमने यहाँ पर दिए हैं, अगर किसी के सवालों के जवाब ना मिले हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।